चिकू काम क्यों बंद कर दिया? ठीक है चिकू। जय श्री श्याम, आप सबका मेरे फर्स्ट वीडियो ब्लॉग में स्वागत है। जी हाँ, फर्स्ट ब्लॉग मैंने अपने चैनल पे 8-10 मिनी ब्लॉग तो बनाए हैं, लेकिन आज मैंने डिसाइड करा है कि मैं आज से वीडियो ब्लॉगिंग करूँगी। अक्सर लोग अपनी फर्स्ट ब्लॉग में मौसम का बोलते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि ना ही तो मौसम अच्छा है, गर्मी है, और ना ही मेरा मूड अच्छा है, क्योंकि मिनी ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं माइक आई हुई हूँ, और आज मुझे लेने आ रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो थोड़ी वो है कि मन में माँ बाप का घर कौन छोड़ के जाना चाहता है, तो वो थोड़ी सी एक है, बाकी जाना तो है ही। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करना। कैलाश जी भी आ गए हैं मुझे लेने के लिए। मेरा जाने बाहर आ गया, मैं तो खिलके गुलाब हो गई। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्यों आए आप, कल आ जाते। अच्छा, क्यों? और क्या ये चिकू है हमारा, और ये कैलाश जी का स्वागत कर रहा है, जमाई राजा जो है। कैलाश जी बोल रहे हैं कि चिक्कू को लेके जाएंगे, और मैंने भी बोल दिया है कि अगर आप इसकी केयर कर सकते हो, देखभाल कर सकते हो, तो लेके चल सकते हो। मैं नहीं कर सकती, खास करके इसकी पोटी तो बिल्कुल नहीं उठा सकती मैं, कैलाश जी करेंगे। अगर लेके जाएंगे तो कैलाश जी ही करेंगे। चिक्कू चिक्कू ये सुनील अपने मतलब मस्ती में लगा हुआ है। ये भाई चलना है क्या? पापा कहे ये ध्यान से चलाना, पापा कहे ध्यान से चलाना। बैठ तो नीति, नीति बैठ जा, बैठ जा। ठीक है भाई, बाय 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 बाय। देखिए मम्मी और नीति कैलाश जी के लिए खाने की तैयारी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। मम्मी ने खीर बनाई है कैलाश जी के लिए, नीति दोबारा चाय बना रही है, लेकिन ये सब्जी मैंने छूंगी है। अब तू तेरी तैयारी कर ले। मेरी क्या तैयारी है? मेरी तो पैकिंग कर ले। सही है, आपका सारा सामान पैकिंग मेरी पड़ी हुई है अभी भी, और मम्मी कब से लगे हुए हैं, पैकिंग कर ले पैकिंग कर ले। हमें निकलना 8 बजे है और मम्मी सुबह से लगी हुई है, पैकिंग कर ले पैकिंग कर ले। हमारे जाने का टाइम भी हो रखा है, 6:30 होने वाले हैं, और मेरी पैकिंग पड़ी हुई है। अभी मैं मम्मी की बात मान लेती हूँ और पैकिंग कर लेती हूँ जल्दी से, वरना मेरी खैर नहीं है। देखो आप लोग कैसे खा रहे हैं दोनों जीजा साले, और मुझे, मैं कब से इधर खड़ी हुई हूँ, एक बार भी नहीं पूछा, एक भी बार नहीं पूछा। ऐसे कौन खाता है, पहले पूछते आप हैं। अभी हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, और मम्मी ने विदाई दे दी है, जल्दी जल्दी चलती है, लेट बहुत हो रखा है, 8 बज गए हैं, और अभी चलते हैं। ठीक ठीक है, अच्छी चीज ग्रहण करो। हाँ कोई बात नहीं, देखो। हाँ ठीक है, फिर जी को ठीक, बहुत ही अनुभव, आप भी अनुभव कर ठीक है, बाय। सुख शांति प्रदान करे, आयु वृद्धि करे। मैंने चिक्कू के लिए हाँ नहीं भरी, और ये कब से बोल रही थी मैं चिक्कू को लेके जाऊंगा,
खा नहीं भरी तो ये मेरे से बात ही नहीं कर रहे। आप ये बताओ उसकी केयर कर लेते क्या? प्रवीण इतनी केयर करता है खाने पीने का, उनके मतलब जानवर लग जाते हैं उनके, तो वो टाइम टाइम से उनको दवाई दिलाना नहलाना मेरी जिम्मेदारी होती है ना, यहाँ आने के बाद आप काम पर जाते हैं या फिर चिकू को संभालते हैं? उसके लिए भी तो टाइम निकालता ना मैं, वो मेरे को देखना होता। नहीं ऐसा नहीं है, अगर जानवर को अपने घर लेके आते हैं ना तो उसकी बहुत ज्यादा केयर हो जाती है, एक जिम्मेदारी हो जाती है, तो वो फिर टाइम टू टाइम देखना ही पड़ता है। अपने भले ना खाना खाए, एक टाइम के लिए अपने भूखे रह सकते हैं, लेकिन उनको भूल जाए तो वो बड़ा ऐसा रहता है कि दिक्कत हो जाए। कि अगर मैं मेरी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता तो ज्यादा दूर भी है मेरा ससुराल, अपनी माँ के पास मैं छोड़ के आ सकता था, लेकिन आपने हमें ये दायित्व संभालने का मौका नहीं दिया। देखना फिर ससुराल में आपकी वो हो जाती गैर जिम्मेदार दामाद की इमेज बनती है अपनी माँ के बगैर, मतलब वो क्या कहते हैं, बेचैन थी। और मेरे मन में ऐसा हुआ कि मतलब साफ साफ इसको अपनी माँ के पास वापिस छोड़ जाना चाहिए, मतलब साफ साफ झूठ और वीडियो पे बोल रही है कि मैं ऐसा बोल देता, बहाने बना देता है। बहाना थोड़ी ना है, ये तो वो है ना कि मैं करता, अगर देखो मैं मेरी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए तो कदम उठाता। एक सेकेंड, हमारे घर पे ना गाय है, एक महीना आप उसका करके दिखा दो, उसके बाद चिकू को मैं खुद जाके ले आऊंगी। ऐसा नहीं होता। तो अभी हम थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं, घर पहुंच के आगे मैं आपसे मिलती हूँ। हम पहुंच चुके हैं घर, मैं आ गई हूँ अपने बहू वाले अवतार में, ऐसे रहती हूँ मैं अपने ससुराल में। ये मेरी सासू माँ है जिनके मतलब पैर में लगी हुई है, तो मुझे जल्दी आना पड़ा वरना मैं पूरा एक महीना और रह के आती। बापू अंदर आई रोटी खा ला रही। चाची फोन में ना आपकी वीडियो देखते हैं। देखती है क्या? पर उसको लाइक नहीं करती। ये हमारी घर की सबसे छोटी सदस्य है हर्षी। क्या कर रही है हर्षी? रोटी मुझे भी पिलाते हैं, मुझे भी पिलाते हैं। तो अभी फ्रेंड्स ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय। बाय कर हर्षी, बाय कर।